देगा तो कितना उसे तकलीफ होगी। तो मधु मंगल के माता पिता संत ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान से कभी नहीं मांगा कि क्यों हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान को परेशान करें। और इस प्रकार भगवान अपनी लीला करते हैं मधु मंगल के लिए। आज भगवान कहते हैं कि तू माखन खाया कर, जिससे तू बड़ा ही मेरे जैसा तगड़ा हो जाएगा। पर मधु मंगल ने कहा तो दूसरे बालकों ने कहा कि कन्हैया, हमारे यहाँ तो भगवान कृपा से खूब माखन मिश्री है, और परंतु महाराज कंस का आदेश है कि नगर में जितना भी माखन और दूध आदि हो उसे सबको मथुरा पहुंचा देना, क्योंकि वहां पर मेरे पहलवान इसे खाएंगे, और अगर किसी ने भी इस दूध घी का स्वयं उपयोग किया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और आज कन्हैया कहता है कि मित्रों, हम ग्वाल हैं और गौ माता हमारी माता है, और माता के दूध में उसके पुत्र का हक होता है, इसलिए इसके अधिकारी हम हैं, भला वह कंस कौन होता है। आज से कोई भी दूध नहीं जाएगा, ब्रज का माखन मैं भेजने नहीं दूंगा। तो कन्हैया ने मधु मंगल से कहा कि तू रो मत, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। तो आज अपने भक्त को खिलाने के लिए कन्हैया माखन की लीला भी करने के लिए चल रहे हैं, और कन्हैया यहाँ वहाँ पे माखन की लीला करते हैं। कभी गोपियों के यहाँ पकड़ जाते, तो एक दिन भगवान कहते हैं मित्र से कि रहने दे कन्हैया, रहने दे कन्हैया, हम पर तो तेरे बहुत ही एहसान है, तूने हमेशा हमें खिलाया है, और आज तू हमारे लिए चोरी करेगा और तुझे सजा होगी तो तेरी माँ अवश्य पीटेगी, अतः हम नहीं चाहते कि मेरे कन्हैया को किसी बात का दुख हो। और कन्हैया ने कहा कि नहीं मित्र, मैं तुम्हें अपने घर का माखन नहीं खिलाऊंगा, मैं तुम्हें बाहर से कमाकर अपनी मेहनत से खिलाऊंगा। तो मित्र ने कहा कि जाने दे, भला तू क्या कमाएगा, छोटा सा तो बालक है, भला तू कमाएगा क्या। तो कन्हैया ने कहा कि हाँ, परंतु हम चोरी करना भी तो एक काम होता है, तो हम चलो माखन चोरी किया करेंगे जिसमें किसी की भी नजर नहीं पड़ेगी, और हम चोरी करके ले आएंगे। तो कन्हैया जी ने सभी मित्रों को एकत्रित करके एक मंडली बनाई, समिति बनाई, और उसका नाम रखा गया बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, अर्थात चुराने की विद्या का कैसे प्रचार हो, ऐसी बाल गोपाल की मंडली बनाई। यह कोई कॉमन नाम नहीं है कि मैंने रख दिया, यह भागवत में इसका नाम दिया गया है कि बाल गोपाल चौर्य का अर्थ चुराने की विद्या। तो कन्हैया ने से सभी ने बोला कि हम चोरी तो करेंगे, मगर धोखा से पकड़ा गए तो, अगर पकड़ा गए तो फिर समझ लेना कि खैरियत नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं पकड़ाओगे। तो सभी ने कहा कि भला क्या कारण है, तो बोला कि मेरे एक गुरुदेव मिले थे जिनका नाम है कफल ऋषि, तो कफल ऋषि ने एक चोर विद्या का प्रचार किया था, एक ऋषि थे, जैसे चाणक्य ने कूटनीति का प्रचार किया, ऐसे ही एक ऋषि थे कफल ऋषि, उन्होंने ही यह विद्या बनाई कि कैसे चोरी करें और पकड़े ना। तो उन्होंने एक मंत्र को सिद्ध कर लिया था, कफल्लम कफल्लम, तो कफल्लम कफल्लम कहने से, जाप करने से व्यक्ति जब चोरी करने जाता है तो वह कभी नहीं पकड़ाता। तो सज्जनों याद रखो, राम ने जो किया वह करो, और कृष्ण ने जो कहा उसे करो, यह कोशिश मत करो कि कफल्लम कफल्लम कह के हम चले जाएं, क्योंकि भगवान भाव के लिए चोरी करते थे। तो आप कभी चोरी मत करना, क्योंकि यह मंत्र स्वयं गोविंद ने अपने मित्रों को दिया, आपको गोविंद ने मंत्र नहीं दिया। तो कन्हैया बोले कि आज मैं इस मंडल का प्रचार करूंगा और मैं ही अध्यक्ष रहूंगा इसका। तो कन्हैया को आज अध्यक्ष बनाया गया, और मित्रों तुम सभी पूरे गोकुल में फैल जाओ, और जहां जहां सबके घर के सामने एक एक मित्र को सीआईडी के रूप में रख दिया गया कि किसके यहाँ की गोपी कब नहाने जाती और किसका घर खाली है, तो एक दूसरे से खबर 100-100 मीटर में जाकर देते और कन्हैया तक। और कन्हैया यहाँ से चोरी करने के लिए जब कोई सखी दूध दही लेकर जाती तो मटकियों को वह मार कर फोड़ देता या घर में जाकर सीके से चोरी कर लेता। तो एक बार की बात है कि कन्हैया ने माखन चोरी की तो गोपी ने सीके में ही टांग दिया कि अब ऊंचे में टांगूंगी तो यह इसे निकाल नहीं सकता, और तो सीके में उन्होंने तैयार किया और दही की हांडी लटकाई की देखती हूं। तो गोएक गोपी ने सोचा कि अगर कन्हैया को यहां आएगा तो कैसे पता चलेगा, तो उसने उसमें एक घंटी लटका दी। तो वह घंटी ऊपर सीके में लटकी हुई है कि जैसे ही यह मटकी को फोड़ेगा और घंटी बजेगी, और उस गोपी ने वहीं पर, परंतु भगवान ने अपनी माया करी और वह गोपी निद्रा में लीन हो गई। और जैसे ही कन्हैया अपने मित्रों के साथ गए तो घंटी को दूर से देखा कि घंटी लटक रही है, तो घंटी से बोला कि रे घंटी, तू बजना मत, नहीं तो समझ लेना। तो घंटी ने कहा कि प्रभु मैं नहीं बजूंगी। और कन्हैया अपने मित्रों के साथ जैसे ही हंडी में से माखन निकालकर पहले अपने मित्रों को खिलाता है,
हमारा भगवान हमारा काम पहले अपना काम नहीं करता, पहले अपने भक्तों का काम करता है। कभी आपने सुना होगा कि भगवान का काम हमने पहले किया, पहले भगवान ने हमारा काम किया। हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारी लड़के की नौकरी लगा दो, फिर मैं भंडारा करूंगा या करूंगी। तो भगवान ने विभीषण को पहले काम किया, फिर स्वयं का काम उन्होंने किया। पहले उन्होंने रावण को मारा और विभीषण को राज दिया। भगवान ने सुग्रीव का काम पहले किया, फिर बाद को लंका में विजय प्राप्त करी। तो भगवान अपने भक्तों का कार्य पहले करते हैं। तो आज भगवान ने घंटी से कहा कि अरे घंटी, अगर तू बजी तो समझ लेना कि तेरी खैरियत नहीं। तो घंटी ने कहा कि प्रभु भला आपके सामने कोई दंड कर सकता है? तो भगवान के हाथ नहीं पूज रहे हैं तो ग्वालों ने कोई घुटिया बन गया और भगवान उस पर चढ़े और माखन की लीला करना शुरू कर दिया। तो भगवान जब तक माखन अपने मित्रों को खिलाते जा रहे हैं, भाई घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने मुख में मक्खन डाला, भाई जोर से घंटी बजी। तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये नाभ्याशिदन्तरिक्षकं शिष्णो दोहो शमवर्धता पदभ्यां भूमिर्दिशां श्रोता तथा लोकां अकल्पयन्ना। कन्हैया ने जैसे ही घंटी बजी और सखियां वहां से आ गईं और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया कि आज तू मुझे पकड़ाया। तो कन्हैया ने आंख दिखाकर कहा कि मैंने तुझे मना किया था, तू बजी क्यों? तो कन्हैया ने से घंटी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि हे कन्हैया, इसमें मेरी क्या गलती? तो भगवान ने कहा कि सब तेरी ही गलती, अगर तू ना बजती तो मैं ना पकड़ाता। तो घंटी ने कहा कि प्रभु, जब लोग आपको भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं तो मुझे बजाते हैं, आज स्वयं आपने भोग लगाया है तो भला मैं क्यों ना बजूं? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार घंटी ने बजना चालू किया। तो भगवान फिर रस्सी से बांध कर लाए गई, हाथ पकड़कर वह सखी कहती है कि आज मैं यशोदा मैया के पास जाकर इसकी लीला के बारे में बतलाऊंगी किसने चोरी किया है। यशोदा मैया से कन्हैया को पकड़े पकड़े ले जाती है। कन्हैया कहते हैं कि ठहर, तुझे मैं बताता हूँ बात के, अभी मुझे पकड़ के ले जा रही है ना। तो जैसे ही यशोदा मैया के पास कन्हैया को पकड़ कर ले जाती है और तो कन्हैया कहता से कि माँ से यशोदा मैया से वह सखियों ने कहा कि आज हमने, तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करती थी ना, इसलिए हमने आज कन्हैया को पकड़ा है। आज इसे देखकर आप आदेश दो कि वास्तव में तू कहती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता और माखन नहीं चुराता, तो आज मैंने पकड़ लिया है। तो यशोदा ने कहा कि भला मेरा कन्हैया कहाँ है? तो जैसे ही गोपी ने कहा कि तेरे कन्हैया नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने हाथ से पकड़ा है? तो जैसे ही यशोदा ने कहा कि तू सठिया गई है क्या कि मेरा कन्हैया, अरे जरा अपनी आंख खोल कर देख। तो जैसे ही उस सखी ने पीछे देखा तो कन्हैया की जगह में उसका लड़का बंधा था। और जैसे ही उसके लड़के को देखा कि हाय मेरी करम फूट गई, तू कहां से आ गया रे? कह तो कह मम्मा कह, मैं तो कब से यहीं पे हूं। तो ऐसे कन्हैया है। अब इसके बाद कन्हैया ने सोचा कि ठहरो, मुझे तुम परेशान करती हो। तो कन्हैया ने कहा कि मैं भी देखूंगा। तो रात को जाते तो जब गोप और गोपी सोते तो किसी गोप की दाढ़ी लंबी रहती तो किसी गोप की गोपी की चोटी लंबी रहती, तो दाढ़ी में से चोटी को बांध कर आ जाते और जैसे ही उठते तो एक दूसरे को खींचते। तो जैसे ही रात को गोपी उठी और जोर से खींची तो गोप जो है ग्वाल है उसकी दाढ़ी अलग हो गई। अरे पगली, या क्या कर दिया, मेरी दाढ़ी को अलग कर दिया? तो वह कहती, अरे मुझे क्या मालूम, मेरी भी तो चोटी। अरे अम्मा, तो भगवान ऐसी लीला करते और एक दूसरे को पसंद करते। भगवान किसी को पसंद नहीं करते, परंतु गोपियों को किस रूप में आनंद आए भगवान वह लीला करते हैं। तो जब माता ने भगवान की ऐसी हरकतों को देखा तो एक दिन कन्हैया घुटमन घुटमन अपने आंगन में खेल रहे थे। तो उस समय कन्हैया ने मिट्टी खाई तो माता ने कहा कि अरे कन्हैया, तूने मुँह में क्या भरा है बता? तो कन्हैया ने कहा कि कुछ नहीं माँ, और मुंह शवाद नहीं निकल रही। तो माँ ने कान पकड़कर बोला कि कन्हैया भला कुछ क्यों नहीं, मुंह खोल। तो जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला और पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमोस्तवनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षी बाहुबे सहस्त्र नामने पुरुखाय सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। अर्थात जिसके सहस्त्र मुख हो, जिसकी सहस्त्र मुझाएं हो, जिनके नेत्र ही जिनकी दिशाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा नेत्र में चमक रहे हैं ऐसे, और सात लोक कमर के ऊपर और सात लोक कमर के नीचे, भू भुवा स्वमह जना तपा सत्यम, और नीचे अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, और ऐसे करके सात लोग नीचे भगवान ने दिखा दिए। माता
वो बड़ा मूर्छित हो गई कि यह क्या इसके मुख में दिखाई दे रहा है। तो कन्हैया ने सोचा कि ऐसे में तो माँ मेरी पोल खोल देगी, तो तुरंत ही अपनी माया फैलाई और इस प्रकार माता भूल गई। अब बोले कि ठहर लाला, इतने बड़े नंद बाबा का तू बालक है और इसके बाद भी तूने माखन चोरी करने की आदत करी है, तो ठहर मैं तुझे रस्सी से बांधती हूँ। और माता यशोदा ने गुस्से में आकर भगवान कन्हैया को रस्सी में बांध दिया। तो देखिए, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, जिसकी माया से सारा जगत बन जाता है, जिसकी माया हर जीव को बांधती है, मोह में डाल देती है, आज वह मायापति मेरी माँ को प्रसन्नता मिले इसलिए बंधने के लिए तैयार है। यशोदा ने रस्सी लेकर आई और कन्हैया को बांधती जाती है, परंतु जब भी बांधती है तो सात उंगल छोटी हो जाती है। फिर और बड़ी रस्सी लाती है, पुनः बांधा जाता है, सात उंगल छोटी हो जाती है। बांधते जा रही है, थक हार कर माता आज उदास है, परंतु कन्हैया बनते ही नहीं है। और कन्हैया ने सोचा कि ऐसे कब तक मैं अपनी माँ को परेशान करूंगा। उन्हें दया आई और वह एक छोटी सी रस्सी से बन गए। तो देखिए, सारे जगत को बांधने वाले परमेश्वर आज अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए एक साधारण सी रस्सी में बन जाते हैं। तो ऐसे मेरे भक्त वत्सल कन्हैया हैं। यशोदा मैया उससे कहती है कि कन्हैया, माखन की चोरी छोड़ सावरे, माखन की चोरी छोड़ साबरे का, मैं समझाऊं तो ये काहे चोरी करे है, काहे चोरी करे है। माखन की चोरी छोड़ साबरे, मैं समझाऊं तो ये काहे चोरी करे है, काहे चोरी करे है। माखन की चोरी छोड़ साबरे, मैं समझाऊं तो ये काहे चोरी करे है, करे है। नौ लख गैया, नौ लख गैया नंद बाबा के नित नव माखन होए, काहे चोरी करे है, काहे चोरी करे है। बड़े बड़े घरन की लाज दुलारी, अरे बड़े बड़े घर की महिलाएं तुझे नाम न धरेंगी क्या? इसके घर में 9 लाख गाय है और वह घर घर में चोरी करने जाता है, अरे तू क्यों चोरी करता है कन्हैया? बड़े घरन की लाज दुलारी, नाम धरेगी कोई काहे चोरी करे है, काहे चोरी करे है। माखन की चोरी छोड़ साबरे, मैं समझाऊं तोरे काहे चोरी करे है, काहे चोरी करे है। तो कन्हैया ने भी कहा कि माँ मैं चोरी नहीं करता, अरे मैं क्या बतलाऊं, मेरे साथ क्या बनता है? मैया जो घर से चलूं मैं, मैया घर से चलूं मैं, ग्वालिन बुलावे घर घर मोहरे। हे माँ, मैं जब घर से जाता हूँ तो मुझे यह स्वयं अपने घर में बुलाती हैं और मेरा नाम बदनाम करती हैं। मैया जो घर से चलूं मैं, ग्वालिन बुलाए घर घर मोहरे। मोशे कहे मेरे घर क्यों, मोशे कहे मेरे घर को, आवे नहीं मना करे कौन रे। मोशे कहे मेरे घर क्यों, हे मां मुझसे कहती है कि तुझे कौन मना करता है जो तू मेरे घर नहीं आता। मैया जो घर से चलूं मैं, ग्वालिन बुलावे घर घर मोहरे। सुरेश दिनेश गणेश जाही निरंतर ध्यावे, आही अछेद अखेद अभेद अनादि अनंत शोभेद बतावे।
शेष नाग महेश ब्रह्मा आदि भी जिसकी स्तुति नहीं कर सकते, वेद जिसे नेति नेति कहकर पुकार रहे हैं। शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश जाहि निरंतर व्यावे, जाहि अहेद अभेद अखेद अनादि अनंत निरंतर गावे। हे कृष्ण नारद सो सुख प्यास रटे, स्वयं नारद और सुख जिनकी स्तुति करते करते भी स्तुति नहीं कर सकते। नारद ओ सुख प्यास रटे, पखी हारे तऊ पुनी पार न पावे। भगवान के चरण नारद सारद ने भी धोकर पी लिया परंतु पार नहीं पाए, और धन्य है यह अहीर की छोहरियां। धन्य अहीर की छोहरिया छछिया भर छाज में नाच न जावे, छछिया भर छाज में नाच न जावे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो, रात
दिशा में सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दहिया पी गौ, दहिया पी गौ, दहिया पी गौ, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। मच गया चोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाबा सवार तेरी नगरी रे, आया बीरज का बाबा नाचिए भगवान के साथ लीला में, आया बीरज का सवाल तेरी खतरी आया, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया वीरज का माता सवाल तेरी खतरी रे, आया वीरज का माता सवाल तेरी नगरी रे, ओ आया वीरज का माता सवाल तेरी नगरी रे, आया वीरज का
और इस प्रकार कन्हैया ने अपनी लीला करी और मटकी को फोड़ा और बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मैं आपको कथा में देखिए, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ दूर से भी जो भक्त आए हैं और जो यहाँ के, आज आपने मेरे जीवन को सफल कर दिया क्योंकि आप सभी की कृपा से मुझे आज भगवान का ऐसा चरित्र कहने का अवसर मिला। तो धन्य है आप और महा धन्य हूँ मैं जो आपने मुझे इस पद पर बिठाला और ऐसी ही कृपा भगवान मुझ पर हमेशा बनाए रहे और जीवन की हर सांस में ही परमेश्वर का नाम हो। और आइए अब हम ओखल बंधन की ओर चलते हैं। मटकी फोड़ने के बाद ओखल बंधन भगवान ने कैसे, आइए मटकी फोड़ की लीला देखें, इसके बाद हमें गोपी चरित्र की ओर जाना है। भागवत का हृदय माना गया है गोपी, जैसे हृदय के बगैर शरीर अधूरा है। सुंदर कांड श्री रामचरितमानस का हृदय है, बिगड़ सुंदर कांड के रामचरितमानस अर्थात हृदय विराजे राम, हनुमान जी के हृदय में श्री राम विराजमान थे। अतः सुंदर कांड पढ़ने से भगवान कृपा होती है और गोपी गीत गाने से, क्योंकि गोपी भगवान का हृदय है और जो गोपी गीत को सच्चे भाव से सुनता है, गोपी गीत कहता है कि उसे कभी हृदय संबंधी पीड़ा नहीं होती। संसार में सभी गीतों की धुन बन चुकी है परंतु गोपी गीत की एक ही धुन है जिसे कोई भी उस पर दूसरी धुन नहीं बना सका। तो इसके बाद हम भगवान की आगे की लीला करके फिर कंस की ओर भी जाना है क्योंकि आज शाम को भगवान का विवाह है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, तेरो लाल यशोदा चल गयोरी मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। तेरो लाल यशोदा चल गयोरी मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। तेरो लाल यशोदा चल गयोरी मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। तेरो लाल यशोदा चल गयोरी चुरा के बदल गयोरी।
सियावर राम चंद्र की जय हो। आपने भागी है जो भगवान ने आपको ऐसी लीला दिखाई, जिसको देखने के लिए नारद सारद शेष महेश आदि गणेश आदि जो है निरंतर जिनके चरणों को धोकर पीते हैं, परंतु जो कृपा प्राप्त नहीं होते, तो देवता भी आज अपने इन मनुष्यों के भाग्य को सराहते होंगे कि देखो आज इनको भगवान की लीला देखने को मिल रही है। और आगे की कथा मेरे कन्हैया की ऐसी